फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी या भिंडी भुजिया, बन के रेडी हो। आज बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, भिंडी या लेडी फिंगर्स। तो जिसके लिए मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया और इस तरह से गोल गोल पीसेस में काट लिया है। पीसेस ज़्यादा पतले नहीं किए हैं और इसके अंदर लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का बहुत बढ़िया लगता है। तो डाला है लहसुन और ये राई, मेथी, जीरा और सूखी लाल मिर्च, मेथी थोड़ी ज़्यादा, ये हल्दी और हींग है, और ये है धनिया जीरा पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक जाएगा स्वादानुसार। और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल रखा है, सरसों के तेल में ये बहुत बढ़िया लगता है। अब सबसे पहले अपने इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा लाल होने देते हैं, उसके बाद आगे का तड़का डालेंगे। भिंडी की सब्जी का तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल में मैंने डाल दिया लहसुन पहले, अब डाला राई, मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च। तड़के को होने देते हैं क्रैकल। क्रैकल होते ही गैस बंद करके सबसे पहले डाल देंगे हल्दी और हींग, और जस्ट उसके बाद डाल देते हैं भिंडी, और उसके बाद डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब अपनी ये सब्जी 80% कुक हो गई है। अब इसके अंदर मिर्ची, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर का मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्रॉपर कुक होने तक पकने देते हैं। और अब अपने ये मसाले को अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और बस 2-3 मिनट और पकाते हैं। अपनी सब्जी लगभग डन होने वाली है और अब अपनी ये भिंडी की बढ़िया सी सब्जी बन के रेडी हो गई है। बस इसको रोटी, पराठा किसी के साथ एंजॉय करें। और अब अपनी ये भिंडी की सब्जी, बढ़िया सी भिंडी भुजिया, बढ़िया सूखी सब्जी है, तो इसको अच्छे से कर दो मिक्स। कुक होके हो गई है रेडी। गैस की आंच को कर देते हैं बंद। बस इसको आप रोटी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय करें। भिंडी की सब्जी को मैंने सर्व किया है बढ़िया सा पराठा और साथ में आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी। तो इस तरह से ये मेरा यम्मी मील बन के रेडी है। इसी तरह से आप भी बनाएं। हाँ, है वाला इशू। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।